रतलाम एसपी के निर्देश पर मादक पदार्थ की अवैध खेती करने वालों पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। रतलाम जिले के बाजना में 19 जनवरी 2020 रविवार को रतलाम जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि बाजना थाना क्षेत्र के ग्राम इमलीपाड़ा कला में खेत में गांजे के पौधे लगे हुए हैं। सूचना के बाद तत्काल रतलाम से पुलिस की टीम तथा बाजना थाने से पुलिस की टीम ग्राम इमलीपाड़ा कला पहुंची। खेत में लगे हरे गांजे के पौधे के साथ आरोपी को पकड़कर बाजना थाने पर लाकर कार्रवाई की गई। बाजना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी कांतिलाल उर्फ कांतु पिता कल्लाजी जाति गड़ावा निवासी इमलीपाड़ा कला का बताया जा रहा है। कुल गांजे के हरे पौधे 580 तथा पौधे का वजन 10 किलो है, जिसकी अनुमानित कीमत 40,000 रुपए होना पाया गया है। रावटी जिला रतलाम से सुनील टांग की रिपोर्ट। कल पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि थाना बाजना के अंतर्गत ग्राम इमलीपाड़ा कला करके है, वहाँ पर एक व्यक्ति अपने खेत में गांजे की खेती कर रहा है। इस पे बाजना पुलिस टीम ने जब रेड किया तो वहाँ कांतिलाल उर्फ कांतू नामक व्यक्ति है, जो कि 70 साल का है। उसने अपने खेतों में गांजा लगा रखा था, जिसमें कुल 580 पौधे गांजे के मिले हैं, जिसका वजन लगभग 10 किलो है। इनके खिलाफ धारा 8/20 NDPS एक्ट का बाजना थाने में पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अब इसमें ये कब से कर रहे हैं और किन किन को सप्लाई करते हैं, आदि चीज़ें विवेचना के दौरान आएंगी और वैसे ही अन्य लोग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।